पाकिस्तान में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने का कारण वहाँ के लोगों की सोच है। उनका मानना है कि अल्लाह उनकी जरूरतें पूरी करेगा। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बढ़ती जनसंख्या आर्थिक लाभ और सामाजिक कार्यों को प्रभावित कर रही है। उनका मानना है कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? बता दें कि पाकिस्तान में 19 साल बाद देश में जनगणना की गई है और उसकी रिपोर्ट जुलाई में आने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि देश की जनसंख्या करीब 20 करोड़ हो जाएगी, जो 1998 में 13.5 करोड़ थी। विश्व बैंक और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जन्मदर वाला देश है। यहाँ हर महिला के कम 3 बच्चे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में 3 पिता के 96 बच्चे हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 36 बच्चों के पिता गुलजार खान ने कहा, अल्लाह ने पूरी दुनिया और इंसानों को बनाया है, इसलिए मैं कौन होता हूँ बच्चा पैदा करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकने वाला। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी गर्भवती हैं। गुलजार ने बताया, हम मजबूत होना चाहते हैं। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच खेलने के लिए उनके बच्चों को दोस्तों की जरूरत नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान में बहुविवाह वैध है। लगभग वहाँ के सभी लोगों की सोच एक जैसी है। गुलजार के भाई मस्तान खान वजीर की भी 3 पत्नियां हैं। वजीर के 22 बच्चे हैं। उनका बताया कि उनके पोते पोतियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वह गिन नहीं सकते।